दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल सरकारी टेक पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के द्वारा एक एडमिशन नोटिस जारी कर दिया गया है MA को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यदि आप MA में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, MA करना चाहते हैं, तो आप BBMKU द्वारा इन्वाइटेड हैं। आपका सेशन रहेगा 2021-23 और आप MA में एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइज, ये नोटिस आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस करके लिखा हुआ है, यानी नोटिफिकेशन करके लिखा हुआ है, अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन इन फर्स्ट बैच ऑफ MA इन एजुकेशन सेशन 2021-23 थ्रू चांसलर पोर्टल। तो दोस्तों आपको बता दें, आप इनवाइटेड हैं कॉलेज के थ्रू, आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक साइट का नाम दिया हुआ है, यानी साइट का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है http://jharkhandyuniversity.nic.in। यानी दोस्तों यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, या फिर दोस्तों आपको BBMKU या फिर BVU करके सर्च करने से आपको वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप बात करते हैं इसके डेट और सारी कुछ जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं आपको ओपनिंग डेट, यानी दोस्तों चांसलर पोर्टल कब खुलेगा। तो दोस्तों चांसलर पोर्टल जब खुलेगा वह है 2 फरवरी को खुलेगा, यानी दोस्तों आज ही खुल गया है, और चलेगा 10 फरवरी तक। यानी दोस्तों आपको 2 फरवरी से 10 फरवरी तक अपना जो है चांसलर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेरिट लिस्ट का। तो दोस्तों आपका जो है पहला सिलेक्शन लिस्ट आएगा, यानी मेरिट लिस्ट आएगा, वो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन। वहीं दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दोस्तों आपको बता दें फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका जिनका नाम आ जाएगा, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आ जाएगा, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 से 21 फरवरी के बीच होगा। यानी दोस्तों 17 से 21 फरवरी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। वहीं दोस्तों बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी। यानी दोस्तों यदि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट जो है 24 फरवरी तक लास्ट कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप 24 फरवरी के बाद अपना पहला मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट में दोस्तों देख सकते हैं जो सेकंड लिस्ट पब्लिश होगा वो है 22/2022 को पब्लिश होगा, और इसका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 23 से 26 तारीख के बीच में होगा। वहीं दोस्तों इसमें देख सकते हैं लास्ट डेट इसका पेमेंट करने का जो रहेगा वो है 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। यानी दोस्तों आपको एडमिशन फी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए 28 फरवरी तक अपना जो है मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन के लिए अपना फी पेमेंट कर देना है। वहीं दोस्तों क्लास का जो है खुलने की संभावना यहाँ देख सकते हैं, कमिंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है 22 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। वहीं दोस्तों नीचे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी दिया है, तो इसके लिए आपको क्या क्या क्रिटेरिया होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी फैकल्टी से, पहला आपका एक पेपर होना चाहिए सब्जेक्ट पेपर, जिसमें यदि आप OBC में आते हैं, नहीं सॉरी, यदि आप जनरल में आते हैं तो आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप OBC, ST और SC में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। वहीं दोस्तों यदि आप BEd किए हैं तो आप इस इनवाइटेड हैं कॉलेज के थ्रू। वहीं दोस्तों सीट का बात करें तो सीट देख सकते हैं 48 सीट बताया जा रहा है, और यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं दोस्तों एडमिशन फी अलग से लिया जाएगा, एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपया है और एडमिशन फी अलग से लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एडमिशन फी आपका चांसलर पोर्टल पे आप जाइएगा तो वहाँ खुद बता देगा क्या आपका फी लगेगा। टू थाउजेंड रुपया लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया है प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा अब बात करते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा SSLNT महिला कॉलेज धनबाद में होगा। दोस्तों आपको बता दें यहाँ बॉथ दिया हुआ है, बॉथ फीमेल और मेल, तो यहाँ दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
वहीं दोस्तों ये नोटिस कहाँ से आया है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो चांसलर पोर्टल वाइस चांसलर के द्वारा आया है, एसटी रजिस्टर के द्वारा। तो ये देख सकते हैं पब्लिश हुआ था 29 तारीख को। तो सो गाइज ये था आज का नोटिस, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी काम की जानकारी मिली होगी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जय हिंद।